बड़ी एक ऋतु ऋतु चेतगी। संदीप गुसाई के लिए ये सब्जी बनाई है और इतना आइटम तैयार है, आपका मुंह में पानी आ गया होगा। दोस्तों, आप और हम खुशकिस्मत हैं कि हमने भारत में जन्म लिया और इन सुंदर वादियाँ और गाँव का जो दीदार हमको करने को मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम संदीप गुसाई है और बागेश्वर के बाद हम सीधे आ गए हैं चमोली। चमोली तो ये उत्तराखंड में जो देखा जाए तो ऐसा जिला है जहाँ 3 वर्ल्ड हेरिटेज हैं। नंबर 1 नंदा देवी नेशनल पार्क, दूसरे नंबर पर वैली ऑफ फ्लावर और तीसरा जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो रम्भाण। तो यहाँ के गाँव की ही बात कुछ और है। इस बार हम आए हैं बांक गांव, जिसके खासियत क्या है, लेकिन एक ऐसा गांव जो प्रकृति ने इतना यहाँ संसाधन दिए हैं कि शायद इसी को जो बैंक ऑफ नेचर कहा जाता है। सब कुछ है यहाँ पे, वो आगे वीडियो में बताएंगे। तो गांव का पैदल सफर शुरू होता है यहाँ से। और बांग का नाम पड़ा बंगाल लोगों से, ये बंगाल हमारे यहाँ पीढ़ी पुष्टों से बचे हुए हैं। हम आए हुए हैं डुंगरी के। बांग का मतलब बैंक। यहाँ हर चीज़ आपको प्रकृति से लेके हर तरफ से, चारों तरफ से एक प्रकार का बैंक है ये हमारा। बांग गांव में हम पहुँच गए हैं। आज का रात्रि विश्राम इसी गांव में होगा, किशन सिंह दानू जी के मकान में। अब देखते हैं किशन सिंह दानू और उनका परिवार जो स्वादिष्ट भोजन है वो क्या खिलाते हैं, और पूरे गांव का नज़ारा कल दिखाएंगे, पूरी कहानी भी कल ही बताएंगे। हाथ से बनी हुई रोटी खाइए। सब्जी कहाँ की बन रही है? ये है कद्दू और आलू। आलू और कद्दू की सब्जी। ये चटनी, पहले नमक डाला, फिर हरी मिर्च और लहसुन, और फिर तब बनाए पीस के, फिर आलू की चटनी। हाँ, ये आलू की चटनी बन रही है। हाँ, दोस्तों ये है बांक गांव। बारिश लगातार चल रही है और बारिश रुकेगी तो फिर मौसम खुलेगा। वैसे हमारे गांव में बहुत चीज़ें हैं देखने लायक हैं। यहाँ से नज़दीक आली बेदनी बुग्याल है, रूपकुंड है, फिर यहाँ से ब्रह्मताल भी बिल्कुल नज़दीक है। ये आइजन टॉप है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप यहाँ से शॉर्ट जाना चाहते हैं, आली बेदनी बुग्याल जाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल नज़दीक हुए है। यहाँ से आप करीब करीब 2-3 घंटे में बेदनी बुग्याल पहुँच सकते हैं। ये बर्दाश्त ऐसे लगते थे ना, जंगरेज आते थे ना घूमने के लिए इधर, तब पहले गांव में आवाज लग जाती थी, मजदूरी नहीं मिलती थी, अनिवार्य थे कि चलो उनके साथ चलो। फिर चलते थे यहाँ से वाण होके, आली बुग्याल होके, जेठा खरी बोलते हैं बलाण में, वहाँ रहता था आटा, ऊपर कम जाते थे। ये तो बाद में गए ऊपर, जब ये वो डायरेक्टर आए थे ना, ये कुमाऊँ ने वहाँ के बंगाली, उनके साथ वकील साहब थे गैट पिनाऊ के, शेर सिंह दानू जी। तो उस समय से हुआ ये रूपकुंड का इसका प्रसार, तो बहुत बाद में हुआ ये, तो मतलब ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा 60 से कुछ पहले, 54-55 में हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और तब गांव में परिस्थिति ऐसी थी, सब लोग बूढ़े लोग इकट्ठा बैठते थे,
सब परिस्थिति लगा देते अपने अपने, और अब की जैसा नहीं है कि चलो कोई कुछ बोला कोई वो एक सयाना आदमी ने जो बोल दिया सबसे सयाने वही बात सबको मान्य होती थी। आपकी उम्र कितनी? मेरी 90 सन 30 फर्स्ट जनवरी का 1930 फर्स्ट जनवरी का मेरा जन्म। मैं यहाँ पर नंदा देवी पर बताऊंगा कि हमारी माँ नंदा क्रूर से निकलती है, एक बालपाटा जाती है, एक बैदनी आती है, और ये नंदा राय जात से भी जुड़ा है। और छोटी जात हर साल होती है, षष्ठमी की जात होती है, और हमारे इस गांव के बांक के गांव के लोग 3 दिन अपना सबसे बड़ा पड़ाव हमारे बांक में होता है। एक दिन बैदनी जाते हैं, दूसरे दिन बांक ले आते हैं, तीसरे दिन आपका मुंडोली पहुंचाते हैं। और हमारी ये जो छोटी जात का मार्ग है, ये टोला से नीचे बिल्कुल दलदल में रहता है। यहाँ वन विभाग से या सरकार से निवेदन है कि यहाँ पूरा खरिंचा कराया जाए और यहाँ की इस भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरीके से लाते हैं और नंदा देवी की पूजा करते हैं और बहुत बड़ा सा हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पहले जो है हमारे इस गांव में माना पटालें होती थी। इस गांव में कई 8-10 ग्राम सभाओं को हम पटाल देते थे। इस गांव में चीड़ की कई लकड़ियां हम भार देते थे, बांस के कई लकड़ियां भार देते थे। यहाँ एक भौरा भी होता है 27, वहाँ से भौरा भी माना हम शहद निकालते थे। यहाँ पानी सारी जो भी भंडार है, बैंक है, इच्छा माना अपने आप में खेती बाड़ी यहाँ का चौला है, रामदाना राजमा यहाँ का फावर ओगल कई माना यहाँ पर मड़ुआ आलू ये सब हमारा कैश करोप जी। धन्यवाद। ना हमारा टोटल क्षेत्रफल जो है 98.15 एकड़ है, लगभग जो 37 हेक्टेयर के आसपास पड़ता है। और हमारे गांव के चारों तरफ वन पंचायत क्षेत्र में जो है बांस बुरांस और उतीस आदि जल स्रोत वृक्ष और चारा पत्ती के जो पूरा जंगल चारों ओर फैला हुआ है। और इसकी व्यवस्थाएँ जो है गाँव के लोग अंशदान दे करके करते हैं, जिसमें हमारे 2 वन रक्षक नियमित रूप से कार्यरत है। Yeah.
हमारी यहाँ तो जौ खेती करते हैं, और जौ और मंडुआ, झोरा और चूआ और आलू और राजमा, काले भट सभी कुछ कहते हैं, पर थोड़ी जंगली जानवर की प्रॉब्लम है, जंगली जानवर खा जाते हैं, नहीं तो सभी कुछ होता है। गुकुती गुरान लगे मेरा मैत की बोड़ी बोड़ी है के ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की मेरा मैत का बना मालिक हो डांडियों कांटियों गोयूं गली गए होला, डांडियों कांटियों गोयूं गली गए होला। गुगुती गुराने लगे मेरा मैत की बोड़ी बोड़ी एक ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की मेरा मैत का बड़ा मली गए होला, मेरा मैत का बना मली गए होला, डाकुड़ा ढोल सुना उड़ी गए होला, चकुला ढोल सुरी उड़ी गए होला। गुगुती गुरान लगे मेरा मैत की मेरा यहाँ पर ग्राम पंचायत बांक में जो यहाँ पर पांडवों का मंदिर है, इसकी स्थापना 300 साल पहले हुई है लगभग। तो इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी कोई बड़ी महामारी यहाँ पर आती है, इससे पहले जैसे पशुओं का रोग खुरपका और बच्चों का रोग होता था एक ददीरा नाम से, तो ये लोग कोई प्रण जिसे हम उजाणा बोलते हैं गाँव की भाषा में, वो करते तो वो रोग इस गाँव में नहीं आता। और अभी भी ये कोरोना जो महामारी आई, इसमें हमने यहाँ पर हवन किया है, प्रण किया है कि इस गांव में अगर कोरोना से मुक्त रहेगा तो हम एक साल बाद इसकी पूजा देंगे। बाग गांव जो है वो कल्चरल बैंक भी है, यानी यहाँ पर जो लोक संस्कृति है उसको भी गांव के लोगों ने संभाल कर रखा हुआ है। तो बताएंगे कैसे, आपका क्या नाम है? हरीश राम। हरीश राम जी, क्या सुनाने वाले हैं आप? क्या ये हमारे जो यहाँ पर भूम्याल देवता हमारा परम देवता ठहरा, कुल देवता, इस कुल देवता के नाम से हम यहाँ पर जागृत रहे हुए हैं। हमारी भूमि और हमारा उत्तराखंड जो है कि जागृत है। जागर सुनाइए। जय बाबा भूमि में भूम्याला थाती कुर्म देवता, काशी में कुडाला उद्यान में राम लक्ष्मणा, जय दीवार में पांच भाई पांडव हस्ता में सत्यासे कोरा, हाँ बाबा पंबापुर में कौन सुते हनुमाना लंका में रावणा हम तक। जय बाबा भूम्याल देवता, जय बाबा कुर्म देवता, काशी में कुटाला नथ में नाराणाम बलुरी भगवान माम। जय भूम्याल देवता, तेरे जागा तेरे कहाँ उत्पत्ति कहाँ तरा जन्म कहाँ बाबा तहाँ प्रथमी तुम्हारा कहाँ हुयो भूम्याल देवता। हाँ भूम्याल देवता, प्रथम है धोली तुमाकूट में जहाँ तुम भूतान की देवा तहाँ गे तहाँ दे तुम्हारा पिंडा उड़ी उड़ी कहाँ कहाँ हमारा तातड़ा तातड़ा ग्रह देव सिंह बाबा भूम्याल माता डेंगणी पिता सिंदूरा पंजनाम तेतीस कुरड़ी छपन कोठी देवताओ। हाँ बाबा देवता छपन कोठी देवता कौन कौन हमारा तब बाबा हमारा बांग घर में भूम्याला देवता कुंती पुत्रा पांच भाई पांडव छयों कुंती माता कौन कौन माता का पुत्रा महाराजा इदित्रा महाराजा कौन कौन भीमसेना कौन कौन अर्जुना सदीप नकुला कुंती का पुत्र बांग घर में हाँ बाबा जिन कुंती पुत्र जिन पांच पांडवों की आशीर्वाद से हम इस उत्तराखंड में जागृत बने हैं। उत्तराखंड के लोग हैं वो जागर को समझते होंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जागर मतलब देवताओं को जागृत करना, और भूम्याल देवता को आपने जागृत किया। हर गांव में, हर पहाड़ में जितने भी इलाके हैं, हर गांव में भूम्याल देवता होगा। Shagana bola,
बांग मतलब बैंक, बैंक मतलब नेचर के तमाम जितने भी रिसोर्स हैं, जैसे जंगल है, यहाँ का जो खेती बाड़ी है या फिर जो वाटर है, तो इसलिए इस जगह पर जब बसे होंगे गांव के लोग पूर्वज, तो उनको लगा होगा कि इतनी खूबसूरत जगह है और इतना सारा नेचुरल रिसोर्स है, तो बांक रख दिया। और उसी को अगर यहाँ के लोग जो डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसका मतलब है बैंक, यानी नेचुरल रिसोर्स का। देखिए कितना प्यारा लग रहा है पीछे का नज़ारा, और इस गांव ने इस पूरे जंगल को बचा के रखा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता ग्राम बांक, यहाँ देवाल खंड, विकास खंड देवाल, प्लस रूपकुंड के तलहटी पे ग्राम बांक बसा हुआ है। और हमारे यहाँ पर नंदा देवी का पड़ाव भी इसी गांव में पड़ता है। जब जात होकर यहाँ आता है तो हमारे पर यहाँ पर नंदा देवी एक का विश्राम करती हैं, और हम यहाँ पर थोड़ा सा हमें सुविधा नहीं होती, यहाँ से रास्ता ठीक नहीं है, हमारा देवी को लाने में ले जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। और हमारा यहाँ पर जैविक खेती का काम होता है, सारे जैविक रासायनिक खाद का प्रयोग हम नहीं करते हैं, जैविक खेती होती है। ये लाड़ी जे गोरा जे ये गला हो लाड़ी जे गोरा जे ये गला ये कुलाड़ी जे गोरा जे ये सा मेरे हस्बैंड आर्मी में। कितना समय हो गया वो बाहर हैं? उनको हो गया 18 साल। मैं भी पहले बाहर ही रहती थी रांची में, 8 साल हो गए घर आए हुए। मेरी 3 लड़कियां हैं। अभी याद आ रही है उनकी? थोड़ा बहुत महसूस तो होता है, अकेले हैं। कितना समय से अभी छुट्टी कब से नहीं आया? वो हो गया जुलाई में आए थे छुट्टी, 1-2 महीना हो ही गया, तो अब आएंगे सितंबर में। फ़ोन पे बात होती होगी? हाँ बात तो होती है। मैं ठीक हूँ, हमारे 2-3 लड़कियाँ हैं वो भी ठीक हैं, हम घर में खुश हैं। बाकी हमारे लिए क्या चाहिए, भगवान की दुआ है, वो भी खुश रहे हम भी खुश हैं, और क्या चाहिए। हमारे आपने जो इतनी मेहनत से व्यंजन बनाए हैं, यह है कद्दू की वो टमाटर टुके यह है आलू और कद्दू की सब्जी, यह है भांग की चटनी, यह है चैसा, यह है आलू और कद्दू की सब्जी, नहीं वो आलू की चटनी। तो ये आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया होगा, मेरे मुंह में तो पानी आ ही गया है। हाँ हाँ टेस्टी होती है ये बहुत ज़्यादा। तो कितना टाइम लगा इसको तैयार करने में? ये आधा 1 घंटा लग गया। चटनी रोड रोड बनाओ बिदौर खाओ, ये जो रोड खा ले यहां पे रोड आ जल्दी जमा आ जी। हां चलो यार बनाओ ये देखिए, थोड़ा सा राख लगी है और ये फायदेमंद है। ये फायदे, ये माना चूल्हे में जितना बनाएंगे तो इससे आज भी जापान और हड्डियां के लिए जो प्रसव की महिलाएं उसको भी खिलाया जाता है, ये बहुत बड़ा गैस। आयरन बहुत होता है? हाँ जी आयरन बहुत। शुरू करें और सब लोग दानू जी के गांव में ये स्वादिष्ट भोजन शुरू करो। तुम क्या खा पाए? मेरा दावा है कि ऐसा जो खाना है, चटनी से ले लो सर, आप 5-स्टार होटल में भी नहीं खा सकते ऐसा खाना जो बाग गांव में आप लोग खिला रहे हैं। पीछे देखिए प्रकृति के, ये ऐसा भोजन है, हम तो पहाड़ी भोजन अगर करेंगे तो
ये बहुत शुद्ध और माने ये ताकतवर होता है कि पहाड़ पर चढ़ने का आपने देखा, ये पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत ताकत देगा, आप मजबूती देगा। कुदरत ने बांक गांव को बड़ी तरकस से सजाया है, इस पूरे गांव को, और इसीलिए शायद इस गांव का नाम बांक पड़ा, जिसे लोग बैंक विलेज कहते हैं। यानी भारत का ये ऐसा गांव है जो बैंक है, यहाँ सब कुछ है प्राकृतिक संसाधनों का। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल मैं आपको हमेशा कहता हूँ। और मैंने सोचा था कि इसका जो अर्थ है वो बताने के लिए जब मैं उस घाटी में जाऊँगा जिस घाटी के लोग नंदा माँ को पूजते हैं, हिमालय को पूजते हैं। तो पूरे उत्तराखंड में नंदा और हिमालय की पूजा होती है, लेकिन शिव और शक्ति को अगर आपको महसूस करना है तो ये जो घाटी है यहाँ आइए। शिव यानी हिमालय और नंदा यानी आदि शक्ति, तो ये दोनों का मिलान है। इसीलिए बार बार हर वीडियो के अंत में आपको नमस्कार हम इस तरीके से करते हैं। जय नंदा, जय हिमालय।